पोस्टर अभी हटाया है ये, काफी काफी साल नहीं हुए इसको हटे हुए, परसों हटाया ना। देखिए लोग भी बोल रहे हैं कि परसों इस पोस्टर को हटाया है, परसों हाथरस कांड के बाद, हाथरस कांड के बाद बाबा के दोनों पोस्टर हटा दिए हैं। और ये वाला पोस्टर जो है ये सेम पोस्टर अंदर लगा हुआ है बाथरूम के बिल्कुल अपोजिट वाली दीवार पर, जो मैंने आपको दिखाया। बहुत सस्ता था कि आदमी और बाहर के आते थे, अब भी आते हैं लेडीज लोग, अब भी आते हैं यहाँ पे, अब भी माथा झुका के चले जाते हैं, पर बाबा को हमने नहीं देखा। यहाँ के लोगों की श्रद्धा थी बाबा में? नहीं नहीं थी। यहाँ के लोग कम जाते भाई, यहाँ का लोग तो कोई नहीं जाते था, यहाँ के कोई नहीं जाते थे। नहीं, ये है उसी बाबा का दूसरा आश्रम, नोएडा वाला आश्रम, जो बाबा अभी तक फरार है। हाथरस कांड के बाद नारायण बाबा अभी तक मिल नहीं रहे हैं, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लेकिन इसी बीच हेडलाइंस इंडिया की टीम पहुंच गई है नोएडा के इलाहाबाद गांव में। ये नया गांव लगता है, इस इलाके का नाम नया गाँव है। और ये देखिए बड़ा सा आपको ये द्वार नज़र आ रहा होगा, जहाँ से मेन एंट्री होती होगी जब यहाँ पर सभा लगती होगी, तो हज़ारों की संख्या में यहाँ पर भी लोग आते हैं हाथरस की ही तरह। पूरा आप पहले यहाँ का नज़ारा देखिए, ये जो पूरा आश्रम है ये बहुत बड़ा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक ये लगभग 3 बीघा के आसपास बताया जा रहा है। 3 बीघा इसकी ज़मीन है पूरी, और इसके 3 गेट हैं। एक गेट आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये छोटा गेट है सीढ़ी के ऊपर जाकर, और ये कि मेन द्वार है, ये मेन द्वार से एंट्री होती है यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं। उसके बाद आप जब पीछे की तरफ आएंगे तो पीछे की तरफ आपको नज़र आएगा एक और बड़ा सा गेट, और ये जो गेट है ये पीछे का गेट है जहाँ से एंट्री होती है बड़े बड़े लोगों की, जो बाबा से मिलने के लिए आते हैं। अभी यहाँ पर जो है तमाम पुलिस तैनात की गई है, पुलिस का ये कहना है कि अभी ये लोग शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अंदर की तरफ आप देखिए किस तरीके से बातचीत हो रही है, शायद इनके पास कोई टिप भी हो सकती है जिसके तहत यहाँ पर ये डेरा जमा कर बैठे हैं और छानबीन कर रहे हैं अच्छे से। और अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे ना तो वहाँ पर कुछ लोग भी आपको नज़र आ रहे होंगे, महिलाएं जो है चारपाई पर बैठी है, और उनके साथ बच्चा भी है छोटा, और बुज़ुर्ग महिला भी बैठी है, 2 आदमी भी खड़े हुए हैं। ये पूरा छोटा सा एक मकान बना हुआ वहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये पूरी ज़मीन जो है मिली हुई है आश्रम से ही। तो यहाँ पर बाबा का जो है बड़ा डेरा यहाँ पर रहता है। पिछले संडे जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैंने जो आसपास के लोगों से बात की थी, पिछले संडे भी यहाँ पर बाबा मौजूद थे, और बाबा यहाँ टहलते भी हैं जैसे कि लोग मुझे बता रहे हैं। ये आप पूरा देखिए आश्रम के पीछे की तरफ का नज़ारा, सेम वही नज़ारा है जो हाथरस में आपने देखा, जब भागदौड़ मची थी तो लोग गिर के, उस भागदौड़ के दौरान जो है 121 लोगों की मौत हो गई। आप समझ रहे हैं ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। एक सभा के अंदर लोग जाते हैं ऐसे ढोंगी बाबा के पास जो सभा को संबोधित करता है, और उस दौरान जो भीड़ वहां पर पहुंची है उस भीड़ में 121 लोगों की जान जाना कितनी बड़ी बात है। और ये भी इलाका पूरा ऐसा ही है, अगर यहां पर मुश्किल से 10 से 20 हज़ार लोग भी एकत्रित हो जाए और यहां पर भी ऐसी ही भगदड़ मच जाए तो आप सोचिए यहां का मंजर कैसा होगा। लेकिन यहां पर अभी ऐसा हादसा नहीं हुआ है। लोगों का ये कहना है कि लोग तो लाखों की संख्या में भी आते हैं यहाँ पर, लोग हज़ारों की संख्या में आते हैं बाबा के दरबार में। नहीं, हमसे क्या सवाल कर दिया, तुम बोलो ना। नहीं, आप नहीं बोलेंगे कभी? अंदर गए आश्रम के अंदर? गए नहीं, नहीं कभी नहीं गए। नहीं, जब ये दरबार लगता है तब जाते? नहीं, कभी नहीं गया। 4 साल हो गए इसको बने। हाँ, 4 साल हो गए। अच्छा, ठीक है। तो महिलाएं जो है यहाँ दरवाजा खटखटा, आप यहाँ रहती हैं? अंदर जाते हैं कॉलोनी में। यहाँ से कॉलोनी का रास्ता है, इधर से जाते हैं। अभी बंद कर दिया है पुलिस ने? अच्छा, पता नहीं मुझे, मैं तो ड्यूटी से आ रही हूँ। कहाँ रहती है, मतलब पीछे की तरफ रहती है? पीछे कॉलोनी है, कमरे बने हैं, मैं तो किराया देती हूँ, रहती हूँ। ये आश्रम है यहाँ पर? अच्छा, ये आश्रम। बाबा को कभी देखा आते जाते? मैंने नहीं देखा बाबा, नहीं देखा। बाबा के तो मेरे दर्शन ही नहीं हुए कभी। नहीं हुए? आप आती हैं यहाँ पर आश्रम में बाबा के दर्शन करने? नहीं नहीं, मैं नहीं आती, ना मैं कभी संगत में गई, ना मैं आती हूँ। मैंने पर विश्वास है बाबा पर? मुझे कोई ना विश्वास, ना मैं मानूँ। अच्छा, नहीं मानती हैं बाबा को। चलिए ठीक है, माता जी कह रही हैं कि परेशान हैं। जी जी जी, गरीब आदमी कमाने खाने आए हैं, हमको ये सब नहीं, भगवान है तो भगवान है, और कोई इंसान भगवान ना। और कोई इंसान भगवान बन ही नहीं सकता, बिल्कुल सही बात आंटी बोल रही हैं, जो इंसान है वो कभी भगवान नहीं बन सकता है। ये जो द्वार मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये अभी बंद है, अंदर से एक छोटा सा ताला लगाया हुआ है, बाहर से आप देखिए कोई कुंडी या कोई ताला नहीं है, अंदर से ये थोड़ा बंद किया हुआ है क्योंकि अंदर पुलिस बैठी हुई है, पुलिस अंदर जाने नहीं दे रही है हमको। हम सिर्फ आपको कैमरा के थ्रू थोड़ा सा नज़ारा दिखा सकते हैं। ये एक खिड़की है यहाँ पर, इस तरफ जाकर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि अंदर कोई हमें दिख जाए, क्योंकि ये जो ये वाला जो दरवाज़ा है ना, यहाँ पर भी कुंडी नहीं है, लेकिन ये आप देखिए, मैं इसको धक्का भी दे रही हूँ तो ये अंदर से बंद है। हाँ जी,
चलो वहाँ से देख लो, वहाँ से देख लें अंदर कौन रहता है। मुझे क्या पता है, नहीं पता आपको कहाँ यहीं रहते हैं क्या आसपास? हाँ जी। अच्छा चलिए ठीक है, आप वहीं रहिए हम देख लेंगे, वहीं रहिए आप। ये देखिए ये वॉशरूम है शायद, ये बाथरूम आप देखिए, ये जो आते होंगे ना यहाँ लोग तो ये सुलभ शौचालय के जैसे बनाया है। अगर कई सारे लोग आते उनको अगर टॉयलेट जाना है शौचालय जाना है तो वो इस तरफ आते होंगे। ये वाइपर रखा है, अभी अभी सफाई हुई है, देखिए पूरा आपको साफ नज़र आ रहा है। पोचा गीला रखा है, वाइपर वहाँ पर पड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा फर्श भी गीला नज़र आ रहा है। तो अभी सफाई हुई है यहाँ पर, जो वर्कर होंगे जो कर्मचारी होंगे यहाँ के वो सफाई कर रहे हैं। वो देखिए बाबा का पोस्टर आपको सामने नज़र आ रहा है, देखिए अगर मेरे कैमरा पर्सन अगर वहाँ पर फोकस करेंगे तो बाबा का पोस्टर आपको नज़र आएगा। तो आप इसी से समझ जाइए ये बाबा का दरबार यहाँ पर लगता था हर संडे और मंगलवार, जैसे कि लोग बता रहे थे यहाँ पर बाबा आते हैं। लिखा है सामने बाबा की तस्वीर लगा रखी है, जो तस्वीर हम मीडिया में देख रहे हैं, जो तस्वीर हम टेलीविज़न में देख रहे हैं, सेम तस्वीर बाबा की पोस्टर के रूप में वहाँ पर लगाई हुई है। तो आप समझिए ये जो बाबा हैं ये सोशल मीडिया पर कहीं भी सक्रिय नहीं है, कहीं भी हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ से भी पोस्टर जो है हटा दिया है, आप देखिए पोस्टर अभी हटाया है, ये काफ़ी साल नहीं हुए इसको हटे हुए, परसों हटाया ना, देखिए लोग भी बोल रहे हैं कि परसों इस पोस्टर को हटाया है, परसों हाथरस कांड के बाद, हाथरस कांड के बाद बाबा के दोनों पोस्टर हटा दिए हैं। और ये वाला पोस्टर जो है ये सेम पोस्टर अंदर लगा हुआ है बाथरूम के बिल्कुल अपोजिट वाली दीवार पर जो मैंने आपको दिखाया। तो आप समझिए ये बाबा का जो दरबार लगा था ये बाबा कहीं भी सक्रिय नहीं है, किसी भी ईमेल आईडी पर नहीं है, इनकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है, यूपी पुलिस इनको ढूंढ नहीं पा रही है। अखिलेश यादव का पुराना ट्वीट इस पर वायरल हो रहा है, जय बाबा की वो करते हुए नज़र आए हैं और कई सारे बड़े लोग बाबा के समर्थन में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भीड़ है वो खुद आती है, श्रद्धालु खुद आते हैं, उनके लिए बाबा का जो प्यार है उन्हें खींच कर लाता है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और देखिए 1% मैं भी यही कहूँगी कि ऐसे ढोंगी बाबाओं पर विश्वास करने से अच्छा है कि आप अपने घर में बैठकर पूजा कीजिए। अच्छा ये तो बोले नहीं थे, मैंने इनसे बात की थी तो यहाँ पर कोई बता नहीं रहा है कुछ भी, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर लोग बहुत बच रहे हैं बात करने से। हो सकता है ये तमाम लोग जाते हों बाबा के दरबार में, क्योंकि घर के बिल्कुल सामने ही इनके आश्रम हैं और घर के सामने आश्रम है लेकिन फिर भी नहीं जाते हैं। आप बता दीजिए, आपकी मैसेज तो नहीं बता रही है कुछ भी, क्या नाम है आपका? पारस। पारस आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मेरे को तो 1-1.5 हफ्ते हुआ है अभी। 1.5 हफ्ते हुआ है, अच्छा अच्छा। पिछले संडे कुछ देखा था यहाँ भीड़ भाड़ लगी हुई थी? नहीं नहीं। बाबा को कभी देखा यहाँ आते जाते? नहीं। अच्छा चलिए ठीक है। तो देखिए लोग बहुत कतरा रहे हैं बात करने से ना, लोग नहीं बता पा रहे हैं कि बाबा कब आते थे कब जाते थे। और ये जो बाबा है इनका एक स्टेटमेंट जारी हुआ था, मीडिया में भी हमने देखा था जिस तरीके से वो स्टेटमेंट आया था, लेकिन बाबा का अभी कोई ऐसा वर्चुअल स्टेटमेंट नहीं आ रहा है सामने, बाबा खुलकर नहीं आ रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं कि कौन जिम्मेदारी लेगा उन 121 मौतों की, कौन उन परिवारों को सपोर्ट करेगा और कौन उनके घर वालों को संभालेगा। जिस तरीके का कृत्य हमने देखा, नज़ारा देखा हाथरस में, जो महिलाएं और बच्चों ने अपनी जान गंवाई है उन उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और ये पूरा आप देखिए यहाँ पर पूरा इलाका आप देखिए, कीचड़ है हर तरफ, रोड टूटा हुआ है, नालियाँ बह रही हैं और यहाँ मकान बन रहे हैं, कई जगह रेत डाली हुई है। तो हर संडे और हर ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को और रविवार को यहाँ सभा लगती है, तो जब भी यहाँ सभा लगती होगी तब तब लोग कैसे आश्रम के अंदर आते होंगे, कैसे पार करते होंगे ये रास्ता, जब भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती होगी तो क्या नज़ारा होता होगा यहाँ का। और इस बाबा को अभी तक कोई रोक क्यों नहीं पाया है और पकड़ क्यों नहीं पाया है, अभी तक बाबा का कोई अता पता नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बनता जा रहा है, बाबा रहस्यमय है ये सबको पता लग गया है और बाबा की पहुँच भी बहुत ऊपर तक है, जो बाबा अभी तक किसी के हाथ नहीं लगे हैं। तो देखिए आश्रम से अब मैं बाहर की तरफ आ गई हूँ, ये पूरा नया गांव है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बाबा का जब दरबार लगता था तो यहाँ पर कितनी भीड़ रहती थी। सबसे पहले बात महिलाओं से, आंटी जी नमस्ते, यहीं रहती हैं आप? हाँ यहीं रहती हैं। यहीं रहते हैं, हाँ। ये जो बाबा का आश्रम है जानती हैं बाबा को? देखो हम बाबा का आश्रम तो हमारे सामने बना है, पर हमने बाबा को बहुत भीड़ लगी है यहाँ बनाया भी और उन्हें भी है,
बहुत आए जाए हैं पर बाबा को देखा नहीं हमने, देखा नहीं आए कहीं है पर 20 दिन महीना रहे हैं पर हमने देखे नहीं है। अच्छा अच्छा क्योंकि जब भीड़ में भीड़ होती थी जब कहीं बाहर निकले या कहीं खड़े हों ऊपर जाके जब देखे कोई कहीं हमने देखे नहीं भाई, बाहर निकलते भी नहीं देखे, नहीं कभी भी नहीं देखे हमने। अच्छा जब दरबार लगता था आप कभी गई अंदर? अंदर तो हम गए नहीं, एक ही दफे आए यहाँ पे। सुने सुन जब दुनिया पब्लिक आ रही थी कि बाबा आ रहे हैं यहाँ पे तो जब हम भी देखेंगे जल निकलेंगे या सिद्धि बैठेंगे हम भी देखेंगे, तो जब नहीं जब देखे ही नहीं तो क्या कहें, जब देखे हमने बाबा। ऐसा होता था कि हर मंगलवार और रविवार को यहाँ दरबार सस्ता था? दरबार सस्ता था कि आदमी और बाहर के आते थे, अब भी आती हैं लेडीज लोग, अब भी आते हैं यहाँ पे, अब भी माथा झुका के चले जाते हैं पर बाबा को हमने नहीं देखा। बाबा को नहीं देखा। भजन कीर्तन कुछ होता है? हाँ होता है, कीर्तन करती हैं, लेडीज भी आती हैं जेंट्स भी आते हैं। मंगलवार को अब भी आती हैं, कुछ शनिवार को संडे को आती हैं, अब भी लेडीज बैठती हैं गाती हैं। हमने बाबा को नहीं देखा भाई, नहीं देखा। आप विश्वास करती हैं इस बाबा पर? यहाँ के लोग विश्वास करते हैं? अब भैया जो जाते हैं वो मानते हैं, वो तो विश्वास करते हैं, अब जो जिसमें जुड़ा है वो ही मानते हैं। अब हम जुड़े ही नहीं तो अब क्या क्या मानेंगे। ये तो कुछ सच हुआ ऐसा बाबा ने भविष्यवाणी की हो और किसी का मतलब सच हो गया हो, घर बन गया हो, ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर? भाई जो जो जाती हैं उन्हें पता होगी, हम जब गए ही नहीं वहाँ पे तो हमें क्या पता होगी। आप नहीं जाती थी? नहीं मैं नहीं जाती थी। अच्छा, अच्छा। क्यों मैं ड्यूटी जाती थी, अब ड्यूटी जाने वाला सुबह शाम जाने वाले आने वाला क्या कहाँ टाइम मिलता बताओ तुम। आप बोलेंगी नहीं? अच्छा चलिए ठीक है, तो और भी एक दो लोगों से बात करेंगे, यहाँ काफ़ी ज़्यादा बाबा जी भी हैं। बाबा जी यहीं रहते हैं आप? हाँ जी बोलिए। अच्छा बाबा जी ये जो बाबा का दरबार यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो पूरा आश्रम है अभी तो बंद कर दिया है, तो इससे पहले कब कब बाबा का दरबार लगा यहाँ पर? एक ही दफ़े लगा जी, बाबा को कभी हमने देखा ही नहीं। बाबा को देखा ही नहीं? नहीं भीड़ दरबार लगा कभी आए नहीं यहाँ पे? नहीं हम तो यहीं रह रहे थे, भीड़ बहुत थी लेकिन बाबा को नहीं देखा हमने। बाबा को नहीं देखा? नहीं। रविवार को और मंगलवार को कौन आता फिर? ऐसे ही? नहीं नहीं वो अंदर ही रह रहे थे, भीड़ आ रही थी। भीड़ आती थी? अच्छा बाबा अंदर बैठते थे, भीड़ आती थी? भीड़ आती थी। भीड़ यहाँ की होती थी? इसी गाँव की? इसी गाँव की नहीं, दिल्ली तरक की होती थी, बहुत दूर, राजस्थान दिल्ली बहुत बहुत दूर की हो गई थी, दूर दूर के लोग आते थे। यहाँ के लोगों की श्रद्धा थी बाबा में? नहीं नहीं थी। यहाँ के लोग कम जाते थे? भाई यहाँ का लोग तो कोई नहीं जाते थे। यहाँ के कोई नहीं जाते थे? नहीं। अच्छा आपको विश्वास है बाबा में? नहीं नहीं है, हम तो नहीं कर रहे थे जी, जिनको विश्वास है वो जाएंगे, वो जाते, जिनको नहीं है वो नहीं जाते। मानते सब हैं हम, मानते सब हैं यहाँ पे। हाँ जब भीड़ आती थी तो यहाँ पर कैसा माहौल होता था, कितनी जगह भर जाती थी, कितने लोग आते थे? काफी आ रहे थे, पुलिस भी लगी रह रही थी। पुलिस भी लगती थी? हाँ पुलिस, बाबा के दरबार के लिए पुलिस भी यहाँ लगती थी? पुलिस भी आ रही थी, पुलिस आती थी। यहीं की एक आध दो गाड़ी आम है थी। तो पुलिस के हमेशा बाबा के साथ रहती थी? नहीं नहीं बाबा तो कभी दिखाई नहीं पड़े, ऊपर छत पर से भी हमने देखा कभी दिखाई नहीं पड़े बाबा, एक महीना। चलिए ठीक है आप अच्छा नहीं बात करेंगे। नमस्कार आंटी जी, क्या नाम है आपका? हम ऐसा के बारे में नहीं जानते, हम उधर से आए हैं। अच्छा ये बाबा कभी भीड़ ऐसा देखा? हम कभी नहीं देखे, नहीं देखे। अच्छा अंकल जी हैं, अंकल जी से एक बार पूछ लेंगे। अंकल जी नमस्कार। अंकल जी ये जो बाबा का आश्रम में जो हुआ हादसा, नहीं पता आपको? नहीं। अच्छा ये आप मानते हैं इन बाबाओं के ऊपर विश्वास है आपको? हम जानते ही नहीं कुछ है। अच्छा माता जी आप बोलेंगी? नहीं पता नहीं है, हम तो नए नए अभी आए हैं। नहीं नहीं आए हाँ तो ये बात पता नहीं है, सब मतलब नए हैं, किराएदार हैं यहाँ पर। ठीक है तो देखिए यहाँ पर ये जो बाबा का दरबार है, बाबा के दरबार में बाहर से लोग, जैसे अंकल जी बता रहे हैं, लगता था यहाँ पर दरबार शनिवार को और रविवार को और मंगलवार को, बाहर से लोग आते थे, राजस्थान से दिल्ली से कई दूर दूर से लोग यहाँ पर आते थे हज़ारों की संख्या में, और उनकी देखरेख के लिए यहाँ पर पुलिस की दो दो गाड़ियाँ भी लगाई जाती थी और पुलिस यहाँ पर पूरी देखरेख करती थी व्यवस्था की। तो यहाँ पर आप सोचिए किस तरीके से ये पूरा जो है आश्रम चलाया जा रहा है, और अभी परसों ही इसको बंद किया गया है, पोस्टर हटा दिए गए हैं, जब वो हाथरस कांड हुआ है, हाथरस हादसे के बाद यहाँ से जो है इस पूरे आश्रम को सील कर दिया है, बंद कर दिया है। यहाँ पर लोग बोलने से कतरा रहे हैं, मना कर रहे हैं, किसी ने बाबा को देखा ही नहीं है, बाबा अंदर रहते थे। कोई कह रहा है कि हमने एक दो बार बाहर टहलते हुए भी देखा है बाबा को, कभी बाहर आके खड़े होते थे। लेकिन इस पर ये बहुत सोच विचार करने की ज़रूरत है कि ऐसे बाबा जो ढोंग फैलाकर, जो झूठ बोलकर लोगों को अपने विश्वास में लेते हैं और हज़ारों की संख्या में लोग उनके दरबार में आते हैं, क्या लोगों को उनका विश्वास करना चाहिए? और ऐसे ही आश्रम में जाकर लोग अपनी जान गंवा देते हैं तो अब आंखें नहीं खुलेंगी तो कब खुलेंगी? कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।